गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, जनरल पैथोलॉजी की लास्ट क्लास में हम लोग इन्फ्लेमेशन डिस्कस कर रहे थे, तो उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। एक पार्ट हो गया था, आज उसके आगे का बताएंगे। इन्फ्लेमेशन का मतलब बताया था, ये एक बॉडी का प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स है। रिस्पॉन्स मतलब कोई इंजरी जब होती है, बॉडी के टिश्यू में डैमेज होगा तो उसके बदले बॉडी उसको बचाने के लिए जो चीज़ें प्रोड्यूस करती है उसको रिस्पॉन्स कहते हैं कि बॉडी ने रिस्पॉन्स कैसा दिया। कोई भी तरीके का डैमेज हो सकता है। क्या क्या टाइप थे? फिजिकल डैमेज, केमिकल डैमेज, थर्मल डैमेज, इन्फेक्शन, ऑटो इम्यून डैमेज और रेडिएशन। इन सारी वजहों से जब भी टिश्यू डैमेज होगा तो वहाँ पर इन्फ्लेमेशन स्टार्ट होता है। इन्फ्लेमेशन बॉडी का रिस्पॉन्स है, इन्फ्लेमेशन बीमारी नहीं है। बीमारी की वजह से इन्फ्लेमेशन होता है, और बीमारी में ये सारे रीज़न हो सकते हैं जिसकी वजह से टिश्यू डैमेज हुआ था और अब बॉडी उसको बचाने के लिए कुछ रिस्पॉन्स दे रही है, वो कहलाता है इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन का इंग्लिश में मतलब अगर देखें तो इन्फ्लेमेशन मतलब होता है जलन। जलन की वजह से इसका नाम रखा गया है इन्फ्लेमेशन, क्योंकि जिसको भी बॉडी में इन्फ्लेमेशन होता है वहाँ पर उसको गर्म फील होता है। क्या क्या साइंस होते हैं उसके, इन्फ्लेमेशन के? अगर हम लोग डिस्कस करें साइंस को, यानी साइन मतलब होता है जो चीज़ें डॉक्टर या एक्सपर्ट फील करता है या एग्जामिन करने के बाद उसको नोटिस करता है, उनको बोलते हैं साइंस। सिम्टम वो होते हैं जो पेशेंट बताता है, तो साइन और सिम्टम एक साथ बोले जाते हैं क्लिनिकल फीचर्स। तो अगर हम पैथोलॉजिकली देखें कि क्या क्या साइंस हैं इन्फ्लेमेशन के, तो 5 कार्डिनल साइंस कहलाते हैं जो इन्फ्लेमेशन में दिखाई देते हैं। पहली चीज़ है वॉर्म। उस चीज़ को जहाँ पर इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हुआ है उतने एरिया को अगर टच करेंगे तो वो एरिया गर्म फील होगा, उसको बोलते हैं कैलोर, ये लैटिन वर्ड है, वॉर्म होगा। सेकेंड पॉइंट पढ़ाता है रेडनेस, वहाँ पर लाल हो जाता है एरिया क्योंकि ब्लड सप्लाई बढ़ जाती है। तो गर्म होना और लाल होना ये दोनों का रीज़न होता है, ब्लड सप्लाई इंक्रीज़ हो जाती है। रेडनेस को एक और टर्म देते हैं, उसको बोलते हैं एरिथमा। एरिथमा मतलब होता है इंक्रीज्ड ब्लड सप्लाई। थर्ड है स्वेलिंग। स्वेलिंग मतलब एडिमा। तो स्वेलिंग आ जाती है उस जहाँ पर इन्फ्लेमेशन हो रहा है, वॉर्म होगा, रेड होगा, उस एरिया में स्वेलिंग आ जाएगी, लैटिन में बोलते हैं ट्यूमर। फोर्थ है पेन। पेन फील होगा, पेन को बोलते हैं डेलोर। फिफ्थ लास्ट जो साइन था वो है लॉस ऑफ फंक्शन, यानी उस ऑर्गन का फंक्शन कम हो जाएगा। जहाँ पर भी इन्फ्लेमेशन हो रहा है उसका फंक्शन 100% ना रहकर कुछ कमी आ जाती है। तो ये 5 साइन होते हैं इन्फ्लेमेशन के, ठीक। इसके बाद डिस्कस किया था टाइप्स ऑफ इन्फ्लेमेशन। टाइप यानी एक्यूट और क्रोनिक। ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग बांटते हैं। अगर छोटे ड्यूरेशन के लिए हुआ है, जल्दी हुआ है और ठीक भी हो जाता है जल्दी, तो उसको बोलते हैं एक्यूट। शॉर्ट ड्यूरेशन का होता है, 2 हफ्ते से अंदर अंदर उसमें रिकवरी स्टार्ट हो जाती है, तो उसको बोलते हैं एक्यूट इन्फ्लेमेशन। और क्रोनिक इन्फ्लेमेशन यानी लॉन्ग ड्यूरेशन का है, ठीक नहीं हो रहा है, काफ़ी टाइम से इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस बॉडी में चल रही है। तो एक्यूट इन्फ्लेमेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसकी मैकेनिज्म पूछी जाती है एग्जाम्स में। तो एक्यूट इन्फ्लेमेशन में क्या क्या इवेंट्स हो रहे हैं, क्या क्या स्टेप होते हैं बॉडी में, कैसे इन्फ्लेमेशन की स्टार्ट होता है, क्या क्या बॉडी में चेंजेस आ रहे हैं जो उसमें 5 साइन देखने को मिल रहे हैं, और बॉडी क्या रिस्पॉन्स दे रही है, उसको स्टेप बाई स्टेप डिस्कस करना है। जिसमें मैकेनिज्म को 2 पार्ट में मेजरली बांटा गया है, एक कहलाते हैं वैस्कुलर इवेंट्स और दूसरे कहलाते हैं सेलुलर इवेंट्स। वैस्कुलर यानी ब्लड वेसल्स में जो भी चेंजेस आ रहे हैं उनको बोलते हैं वैस्कुलर इवेंट्स। वैस्कुलर यानी ब्लड वेसल्स से रिलेटेड, वैस्कुलर सिस्टम जैसे होता है वैसे ही वेसल्स वाला। सेलुलर इवेंट यानी ब्लड की सेल्स में क्या क्या चेंजेस आएंगे, सेल्स कैसे काम करेंगी उस इन्फ्लेमेटरी वाले एरिया में, उनको बोलते हैं सेलुलर इवेंट्स। तो लास्ट लेक्चर में हम लोग ने वैस्कुलर इवेंट डिस्कस किए थे, वेसल्स में क्या क्या चेंजेस होते हैं उनको बोलते हैं वैस्कुलर इवेंट्स। तो वेसल्स का छोटा सा क्लासिफिकेशन बताया जाता है कि बड़ी वेसल्स जो ब्लड को हार्ट से टिश्यू तक ले जाती हैं उनको बोलते हैं आर्टरीज। फिर वो और डिवाइड होकर पतली बनाती हैं वेसल्स, उनको बोलते हैं आर्टेरियोल्स। उसके बाद वो और महीन डिवाइड हो जाती है माइक्रोस्कोपिक लेवल तक, उनको बोलते हैं कैपिलरीज। और यहाँ से एक्सचेंज होता है, एक्सचेंज यानी मटेरियल का आदान प्रदान। ऑक्सीजन टिश्यू को दी जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड वापस ब्लड में ली जाएगी। इसके अलावा और न्यूट्रिशन दिया जाता है और वेस्ट प्रोडक्ट भी ब्लड में उठाए जाते हैं, इनको बोलते हैं एक्सचेंज होना। तो कैपिलरीज में एक्सचेंज हो जाता है, इसके बाद ब्लड इम्प्योर हो जाता है यानी गंदा हो जाता है। ऑक्सीजन चली गई, कार्बन डाइऑक्साइड मिल गई, खाने पीने का सामान, प्रोटीन, अमीनो एसिड्स, ग्लूकोज, वो सब ब्लड से टिश्यू में चले गए और टिश्यू में वेस्ट प्रोडक्ट ब्लड में छोड़ दिया। इसके बाद इम्प्योर ब्लड आता है जिसको बोलते हैं वेन्यूल्स। वेन्यूल्स स्टार्ट हो गए यानी पतली वेन्स, और वो जुड़ के बना लेती हैं चौड़ी वेन्स। तो ये एक होता है वेसल्स का नेटवर्क, बेसिक्स आया है, बाकी और डिटेल्स वैस्कुलर सिस्टम में पढ़ना। तो क्या क्या इवेंट्स हो रहे हैं, तो अगर हेडिंग वाइज देखें तो सबसे पहला इवेंट होता है वैसो कंस्ट्रिक्शन।
वेसो यानी वेसल्स कंस्ट्रिक्शन यानी नैरो हो जाना, वेसल्स का ल्यूमेन नैरो हो जाता है, वेसल्स सिकुड़ के पतली हो जाती है, उसको बोलते हैं वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन। इन्फ्लेमेशन में ध्यान रखना वेसो डायलेशन मेन होता है, लेकिन थोड़े टाइम के लिए जैसे ही डैमेज होता है टिश्यू में सबसे पहला रिस्पॉन्स होता है वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन, जो कि फ़ौरन ही चला भी जाएगा, उसके बाद वेसो डायलेशन होता है, ये मेन प्रोसेस है इन्फ्लेमेशन में। ठीक है, पहली हेडिंग भले वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन है लेकिन मेन हेडिंग वैसो डायलेशन है। एग्जाम टाइम में अगर तुमको इन दो में कोई एक लिखना पड़ जाए, नहीं याद आ रहा है कि क्या होता था, भूल गए कंस्ट्रिक्शन पहले था डायलेशन, तो सिर्फ डायलेशन याद रखना, क्योंकि अगर ये नहीं लिखा है तो गलत हो जाएगा क्वेश्चन, ये नहीं लिखोगे तो फिर भी चलेगा, क्योंकि ये बस कुछ टाइम के लिए होता है, फ़ौरन ही ये चला जाएगा, फिर वेसल्स में डायलेशन स्टार्ट हो जाएगा, यानी वेसल्स चौड़ी हो जाएंगी, क्योंकि इन्फ्लेमेटरी एरिया में ब्लड की सप्लाई बढ़ानी होती है, तभी वो एरिया गर्म भी फील होता है और देखने पर लाल होता है, पानी ज़्यादा जाता है ब्लड से, इसकी वजह से एडिमा भी आ जाता है। तो क्या रीज़न होगा? वैसो डायलेशन। ठीक है, तो पहला स्टेप है वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन, क्या बताया था, ये फर्स्ट इवेंट है, पहले यही होगा उसके बाद वैसो डायलेशन होगा। तो वेरी फर्स्ट इवेंट ऑफ द इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस इज वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन, इसमें वेसल्स नैरो हो जाती हैं, उसके बाद वैसो डायलेशन होता है। वैसो डायलेशन यानी वेसल्स का चौड़ा हो जाना, उसको बोलते हैं वैसो डायलेशन। इसकी वजह से क्या होता है, जिस ऑर्गन में वैसो डायलेशन हो रहा है वहाँ पर ब्लड ज़्यादा जाएगा, पाइप थे जिसमें ब्लड बह रहा था, वो पाइप अगर चौड़े हो गए तो पानी या ब्लड ज़्यादा जाएगा, तो वेसल्स पतली थी फैल के चौड़ी हो गई, उसको बोला वैसो डायलेशन, जिसकी वजह से ब्लड सप्लाई उस ऑर्गन की बढ़ गई जहाँ पर इन्फ्लेमेशन हो रहा है, तो इंक्रीज ब्लड सप्लाई, पाइप चौड़े हुए, वेसल्स फैल गई तो ब्लड सप्लाई बढ़ गई और उसका स्पीड कम हो गई, स्लो फ्लो ऑफ द ब्लड। जब पाइप पतले होते हैं तो तेज़ी से पानी बहता है, वाइड हो जाते हैं तो स्पीड कम हो जाती है, बर्नौलीज थ्योरम, क्लियर? तो उसकी वजह से वहाँ पर ब्लड धीमा बहेगा यानी रुकने लगेगा, तो क्या चीज़ें देखने को मिलेंगी, रेडनेस दिखेगी क्योंकि ब्लड ज़्यादा भी जा रहा है और धीमे बह रहा है यानी वहाँ पर रुक रहा है, और सेकेंड है पॉइंट वार्म यानी गर्म हो जाएगा वो एरिया, क्योंकि ब्लड में टेम्परेचर बढ़ाने की क्षमता होती है, यानी ब्लड ज़्यादा जा रहा है तो वहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा होता है। दूसरा रीज़न होता है वार्म होने का, वहाँ पर मेटाबॉलिज्म तेज़ हो जाता है, सेल्स डैमेज हो रही हैं, तुम्हारी इम्यून सिस्टम की सेल्स पैथोजन से लड़ रही हैं, डैमेज हो रहा है टिश्यू, मेटाबॉलिज्म तेज़ हो रही है, प्रोटीन बनाई जा रही है, साइटोकाइंस बन रहे हैं, तो एटीपी खर्चा हो रहा है और उतने एरिया में एनर्जी ज़्यादा बनने से वो वार्म हो जाता है। तो वार्म होने के दो रीज़न हो गए, एक ब्लड सप्लाई बढ़ गई और दूसरा रीज़न वहाँ पर मेटाबॉलिज्म तेज़ है। थर्ड पॉइंट पे आते हैं जो एक्यूट इन्फ्लेमेशन का हॉलमार्क है, वेस्कुलर इवेंट्स का हॉलमार्क, वो है इंक्रीज्ड वेस्कुलर परमीएबिलिटी। ये सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे कह सकते हो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, यानी यही बताता है कि इन्फ्लेमेशन हो रहा है। ये और भी रीज़न हो सकते हैं, वैसो डायलेशन कई वजहों से होता है, कई जगह पर वैसो डायलेशन हो रहा होता है, लेकिन इंक्रीज वेस्कुलर परमीएबिलिटी ये हॉलमार्क है, यही सबसे अच्छा हमारा मार्कर है ये बताने का कि यहाँ पर इन्फ्लेमेशन हो रहा है। क्या मतलब हुआ इसका, इंक्रीज्ड वैस्कुलर परमिएबिलिटी। परमिएबिलिटी मतलब होता है आर पार निकल जाना, ब्लड के अंदर का मटेरियल बाहर आ सकता है, इसलिए इसको बोलते हैं परमिएबल है, इसके आर पार आ सकता है परमिएबल, और ये परमिएबिलिटी यानी इसके बाहर आने की क्षमता इन्फ्लेमेशन में बढ़ जाती है। इंक्रीज्ड वैस्कुलर परमिएबिलिटी यानी ब्लड जो पाइप के अंदर बह रहा था उसका मटेरियल बाहर और तेज़ी से आने लगता है। क्या रीज़न होता है ऐसा होने का, क्योंकि ब्लड वेसल की दीवार बनी होती है सेल्स की, जिसको बोलते हैं एंडोथीलियम। एंडोथीलियम ये अंदर की लेयर होती है। अब क्या होता है, ये एंडोथीलियम सेल्स हैं एक साथ, अगर इनके बीच बीच में गैप बन जाए तो ये अंदर का मटेरियल बाहर तेज़ी से आ सकता है, इस वजह से परमीबिलिटी बढ़ जाएगी। तो यही हो रहा है यहाँ पर, एंडोथीलियल सेल्स के बीच की जगह बढ़ रही, देखो यहाँ पर गैप, यहाँ पर गैप, इसको बोलते हैं एंडोथीलियल गैप फॉर्मेशन। एंडोथीलियम बीच बीच में जगह छोड़ दी, इसकी वजह से अंदर का मटेरियल बाहर तेज़ी से आएगा। क्या रीज़न होता है, एंडोथीलियम खुद सेल्स को कॉन्ट्रैक्ट करा लेती, सेल्स छोटी होने लगी, तो जब यहाँ पर सेल्स छोटी हो गई तो बीच बीच में जगह बढ़ जाएगी, चिपकी चिपकी सेल्स रखी थी, बीच में बिल्कुल जगह नहीं थी, लेकिन जब ये कॉन्ट्रैक्ट होने लगी, सिकुड़ने लगी, तो इनके बीच में एक गैप बनने लगेगा, इसको बोलते हैं एंडोथीलियम सेल्स कॉन्ट्रैक्शन। ठीक, इस कॉन्ट्रैक्शन को कराने वाले कुछ मीडिएटर्स होते हैं, यानी केमिकल्स होते हैं, साइटोकाइंस कहलाते हैं, इंटरल्यूकिंस, ये सारे डिस्कस बाद में करेंगे। मैकेनिज्म पढ़ रहे हैं कि एंडोथीलियम सेल्स अगर कॉन्ट्रैक्ट होंगी तो गैप बन जाएंगे। दूसरा रीज़न हो सकता है एंडोथीलियम की सेल्स, जो ये सेल्स हैं ये खुद डैमेज हो जाए, टूट जाए, तो भी उतनी जगह पर गैप बन जाएगा,
ये हमारा बैरियर था, एक लेयर चढ़ी हुई थी। अगर इस लेयर में गैप बन जाए यानी होल्स बन जाए तो भी परमीबिलिटी बढ़ेगी, अगर ये लेयर टूटने लगे तो भी परमीबिलिटी बढ़ेगी। तो पहला रीज़न है एंडोथीलियल सेल कॉन्ट्रैक्शन, जिसकी वजह से गैप बन जाते हैं। दूसरा रीज़न है एंडोथीलियल सेल्स का डैमेज हो जाता है, एंडोथीलियम की सेल्स, ये जो सेल्स है ये डैमेज हो जाएंगी। दो वजह से डैमेज हो सकती है, या तो हमारी बॉडी की WBC उसको डैमेज करने लगे, हमारे बॉडी में ब्लड में जो WBC थी वही आकर इनको डैमेज कर दे तो वहाँ पर जगह बन जाएगी। दूसरा डायरेक्ट डैमेज हो जाए, डायरेक्ट मतलब जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन हो रहा है, चोट लगी थी, इन्फेक्शन हुआ था जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो रहा था, वही फैक्टर जिसने इन्फ्लेमेशन कराया था वो खुद ही कैपिलरीज को डैमेज कर दे, यानी जो इन्फेक्शन हो रहा था, जो बैक्टीरिया वहाँ पर था वो टिश्यू को भी डैमेज कर रहा था और ब्लड वेसल्स को भी डैमेज कर रहा था, तो एंडोथीलियम डैमेज होगी और अंदर का मटेरियल बाहर आ जाएगा। इसको बोलते हैं एंडोथीलियल डैमेज। दो रीज़न से हो सकता है, ल्यूकोसाइट यानी WBC से और डायरेक्ट डैमेज। लास्ट पॉइंट था वैस्कुलर इवेंट का स्टेसिस। स्टेसिस मतलब होता है रुकना, रुकावट। स्टेसिस यानी ब्लड धीमा पड़ गया, स्टे, स्टे से बना है स्टेसिस। ब्लड स्टेसिस यानी ब्लड जो बह रहा था आर्टरीज में, वेन्यूल्स में, कैपिलरीज में, वो स्लो हो गया, धीरे धीरे बहेगा। वेसल्स में चौड़ा होने की वजह से फ्लो धीमा हो जाता है। ये बर्नौलीज थ्योरम है फिजिक्स का कि अगर पाइप का डायमीटर बढ़ा दिया जाए यानी क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ जाए, यानी पाइप पहले पतला था फिर चौड़ा हो गया, तो बहने की स्पीड यानी उसमें जो लिक्विड फ्लो हो रहा था उसकी स्पीड स्लो हो जाती है। यही ब्लड में भी हो रहा है, ब्लड वेसल्स डायलेट हो रही थी, वैसो डायलेशन हो रहा था जिसकी वजह से ब्लड धीमा पड़ रहा था। दूसरा रीज़न क्या था, ब्लड का पानी छन के बाहर आ रहा था। क्यों आ रहा था? क्योंकि इंक्रीज्ड वैस्कुलर परमिएबिलिटी थी, ब्लड से पानी बाहर आ रहा है जिसकी वजह से टिश्यू में स्वेलिंग आ रही है, एडिमा आ रहा है। तो क्या हो रहा है, ब्लड का वॉल्यूम कम हो रहा है। पहले वेसल ऐसी थी नॉर्मल, फिर उसके बाद डायलेट हो गई तो उससे ब्लड धीमा बहने लगा। दूसरा काम ये हुआ, ब्लड से पानी भी खींच लिया गया तो ब्लड वॉल्यूम भी कम हो गया, यानी ब्लड गाढ़ा होने लगा तो और धीमा बहेगा। ठीक है, तो ये दो रीज़न है जिसकी वजह से ब्लड की स्टेसिस होने लगती है, ब्लड रुकने लगता है। ये कहलाते हैं वैस्कुलर इवेंट्स। क्या क्या थे? नॉर्मल था, डैमेज हुआ आसपास के टिश्यू में तो सबसे पहले वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन हुआ, उसके फ़ौरन ही बाद वैसो डायलेशन हो गया। थर्ड स्टेप है एंडोथीलियम के गैप बनने से परमीबिलिटी बढ़ गई, यानी इंक्रीज्ड वैस्कुलर परमीबिलिटी। और लास्ट स्टेप है स्टेसिस। तो जब भी क्वेश्चन आए एक्यूट इन्फ्लेमेशन का, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देने के बाद कि ये बॉडी का रिस्पॉन्स है, इससे बॉडी की प्रोटेक्शन के लिए बॉडी यूज़ करती है, जिसमें इम्यून सिस्टम और वैस्कुलर सिस्टम दोनों इन्वॉल्व होते हैं। क्या क्या स्टेप होते हैं इसमें, दो पार्ट में बांटा गया है, वैस्कुलर इवेंट और सेलुलर इवेंट। तो वैस्कुलर इवेंट डाल के लिखना कि इसमें वेसल्स में चेंजेस, उनको डिस्कस करते हैं। क्या चेंजेस है? चार, वैसो कंस्ट्रिक्शन, वैसो डायलेशन, इंक्रीज वैस्कुलर परमिबिलिटी और स्टेसिस। ठीक, आज हम लोग डिस्कस करेंगे सेलुलर इवेंट्स। सेलुलर इवेंट्स ऑफ एक्यूट इन्फ्लेमेशन। सेलुलर मतलब सेल से रिलेटेड, पहले वाले थे वैस्कुलर इवेंट, तो सेलुलर कौन सी सेल्स, कहाँ की बात हो रही है? ये बात हो रही है मेनली ब्लड सेल्स की, ब्लड की सेल्स, और उनमें भी कौन सी मेन सेल्स, WBCs। WBC में भी कौन सी मेन सेल, न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट। ठीक, सेलुलर इवेंट यानी सेल्स में क्या क्या चीज़ें चेंजेस आ रहे हैं, क्या कर रही हैं सेल्स, उनको बोलेंगे सेलुलर इवेंट। इन्फ्लेमेशन में सेल्स क्या कर रही हैं, तो कौन सी सेल्स, पूरी बॉडी में सेल्स हैं, हम बात कर रहे हैं ब्लड सेल्स की। ब्लड में भी बहुत टाइप के सेल्स हैं, RBC, WBC और प्लेटलेट्स, हम बात कर रहे हैं WBCs की। WBC भी बहुत टाइप की होती हैं, न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल, बेसोफिल, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट की, ये एक्यूट इन्फ्लेमेशन में आती हैं। तो सेलुलर इवेंट यानी सेल्स में क्या क्या चीज़ें आ रही हैं, उनको पढ़ेंगे सेलुलर इवेंट्स में। तो सबसे पहली चीज़ है कि सॉरी, पहला पढ़ेंगे कि स्टेसिस। पहला पॉइंट उसका लास्ट क्या था, स्टेसिस हो रही थी यानी ब्लड फ्लो धीमे हो रहा था। तो यहाँ पर स्टेसिस के बाद क्या चेंजेस आ रहे हैं, उसको बोलते हैं मार्जिनेशन। तो पहला स्टेप जो इस सेलुलर इवेंट्स का है वो है मार्जिनेशन। मार्जिनेशन मतलब होता है मार्जिन से बना ये वर्ड, मार्जिन।
तो मार्जिन मतलब होता है किसी भी चीज़ का साइड का पार्ट। अगर हम बोले ये पेज है, इसका मार्जिन क्या होगा, ये मार्जिन है, ठीक है, ये मार्जिन नीचे की तरफ, ये मार्जिन, तो साइड की चीज़ को बोलते हैं मार्जिन। तो मार्जिनेशन का मतलब हुआ कि पहले हमारी ब्लड फ्लो कैसे होता था, ये एक वेसल है, अगर इन्फ्लेमेशन नहीं हो रहा है तब तक इसमें क्या होता था कि ब्लड वेसल में ब्लड की जो सेल्स हैं यानी WBC, RBC, प्लेटलेट्स, ये सब क्या करती थी, बीच में रहती थी, बीच में फ्लो होती थी, और साइड साइड क्या रहता था, प्लाज्मा, ये प्लाज्मा है और ये ब्लड की सेल्स हैं। ये नॉर्मल ब्लड फ्लो ऐसे होता है, इसको बोलते हैं लेमिनार ब्लड फ्लो, लेमिनार ब्लड फ्लो, यानी ब्लड का फ्लो एक लेमिनार यानी लाइन के फॉर्म में हो रहा है, एक लाइन बनी हुई है जिसमें साइड साइड प्लाज्मा है और बीच में सेल्स हैं, क्योंकि सेल्स एंडोथीलियम से नहीं टकराने चाहिए वरना एंडोथीलियम एक्टिवेट हो जाती है और ब्लड कोआगुलेशन होने लगेगा। तो लेमिनार ब्लड फ्लो कराता ये है कि प्लाज्मा को किनारे रखता है और सेल्स को बीच में रखता है, ये नॉर्मल चीज़ हो रही है, अभी ये इन्फ्लेमेशन की बात नहीं है। लेकिन मार्जिनेशन में क्या होगा, ये जो ब्लड की सेल्स हैं, सेलुलर इवेंट पड़ रहे हैं, तो WBCs बीच से हट के किनारे जाने लगती हैं, इसको बोलते हैं मार्जिनेशन, यानी सेल्स मार्जिन पे आ गई, उसको कहा मार्जिनेशन। तो पहला स्टेप है मार्जिनेशन, क्या मतलब हुआ इसका कि ब्लड सेल्स मूव टूवर्ड्स पेरिफेरी ऑफ ब्लड वेसल, ठीक, सेंटर से हट के पेरिफेरी पे आ गई, उसको बोला मार्जिनेशन। क्लियर, क्या हो रहा है, ब्लड सेल्स नॉर्मली बीच में फ्लो करती थी, ब्लड जब भी बहता है लेमिनार फ्लो होता है यानी लाइन बना के फ्लो करता है, साइड साइड प्लाज्मा को रखता है, बीच में सेल्स को रखता है। मार्जिनेशन पहला स्टेप है सेलुलर इवेंट का, जिसमें ये बीच वाली सेल्स किनारे की तरफ जाने लगती हैं, किनारे की तरफ जाने लगती है। इसका रीज़न क्या है, वजह क्या होती है मार्जिनेशन की, कौन करा रहा है मार्जिनेशन, दो रीज़न है। पहला ये कि स्टेसिस हो रही है यानी ब्लड धीमा बह रहा है, रीज़न क्या था, ब्लड वेसल्स डायलेट कर रही थी, तो जब ब्लड धीमा रहने बहेगा तो ये तेज़ी से आगे नहीं बढ़ेंगी, यहीं रुकी रहेंगी, और वो धीरे धीरे किनारे की तरफ धक्का दिया जाएगा उनको, पीछे से और आनी, फिर किनारे चली जाएंगी, और आती जाएंगी तो जमा होंगी, इसलिए किनारे बढ़ती जाएंगी। दूसरी वजह क्या होगी, जो ये किनारे का प्लाज्मा था, ये परमिएबिलिटी बढ़ जाने की वजह से प्लाज्मा टिश्यू में चला गया, पानी, प्लाज्मा भी बताते हैं क्या हो रहा है, प्लाज्मा क्या है, वो बाहर निकल गया। तो प्लाज्मा बाहर निकलने से सेल को वहाँ पर जाना पड़ेगा, वहाँ पर जगह खाली हो रही थी, इसकी वजह से सेल्स किनारे चली जाती। तो दो रीज़न हुए मार्जिनेशन के, पहला स्टेसिस, दूसरा एक्सुडेशन यानी प्लाज्मा बाहर निकल जाता है। एक्सुडेशन मतलब होता है प्लाज्मा का ब्लड वेसल से बाहर निकल जाना। प्लाज्मा क्या है, कई लोग हमसे ये क्वेश्चन बार बार आता है कि प्लाज्मा क्या होता है, बार बार सुनते हैं प्लाज्मा शुगर लेवल, ब्लड शुगर लेवल, सीरम शुगर लेवल, ये सब क्या क्या चीज़ें हैं। तो प्लाज्मा क्या है, ब्लड क्या है, सीरम क्या है, तो पहली चीज़ समझो ब्लड क्या है, ब्लड मतलब प्लाज्मा प्लस सेल्स प्लस प्रोटीन, ठीक, क्या क्या चीज़ें बताई, ब्लड में क्या क्या मेन कंपोनेंट्स है, प्लाज्मा, प्लाज्मा को एक पानी की तरह सॉल्वेंट मान लो जिसमें हम चीज़ें घोलेंगे, तो प्लाज्मा एक पानी ऐसी चीज़ है जिसमें ब्लड की सारी चीज़ें घुली हुई हैं। क्या चीज़ें घुली हैं, सेल्स हैं और प्रोटीन्स हैं, जिनमें मेनली प्रोटीन कौन सी है, कोआगुलेशन वाली और एल्ब्यूमिन ग्लोबुलिन, उनको ना छोड़, सुनो समझ लो, बस कोआगुलेशन वाले फैक्टर्स हैं। तो प्लाज्मा है, सेल्स हैं और कोआगुलेशन वाली प्रोटीन है। अगर हम क्या करें, ब्लड में से सेल्स को निकाल लें, ब्लड में से सेल्स को निकाल लें, सेल कौन कौन सी, RBC, WBC और प्लेटलेट्स। अगर हम ब्लड में से सेल्स को अलग कर लें तो पानी जैसा जो भी लिक्विड बचेगा उसको बोलते हैं प्लाज्मा, समझे बात। प्लाज्मा एक लिक्विड है जिसमें सेल्स की ब्लड की सेल्स डिजॉल्व्ड हैं, उसी में मिक्स होकर बहती रहती हैं। तो प्लाज्मा भी बह रहा था, सेल्स भी बह रही थी। अगर हम सेल्स सेल्स अलग कर लें तो जो लिक्विड बचेगा उसको बोलते हैं प्लाज्मा, ठीक है। ब्लड कोआगुलेट करता है, कोआगुलेट मतलब थक्का जमा सकता है, सॉलिड बन सकता है, लिक्विड है लेकिन कोआगुलेट करके क्लॉट बना लेगा। अगर हम सेल्स निकाल लें तब भी ब्लड से सेल्स निकालने के बाद जो प्लाज्मा बचेगा वो भी कोआगुलेट कर सकता है,
उसमें भी कोगुलेशन फैक्टर्स होते हैं, वो कोगुलेट कर जाएगा। लेकिन अगर हम प्लाज्मा में से कोगुलेशन फैक्टर भी निकाल लें, प्लाज्मा से कोगुलेशन फैक्टर भी अलग कर दें, तो क्या बचता है? तो बचता है सीरम। ये भी नाम सुना होगा, सीरम, प्लाज्मा, ब्लड। तो ये तीनों चीज़ें ब्लड की ही चीज़ें हैं। ब्लड में क्या क्या है? प्लाज्मा है, सेल्स है और कोगुलेशन फैक्टर्स हैं। अगर हम ब्लड में से सिर्फ सेल्स को हटा लें तो बचेगा प्लाज्मा, और प्लाज्मा में से हम कोगुलेशन फैक्टर भी हटा लें तो बचेगा सीरम। और सीरम कोगुलेट नहीं करता है, सीरम क्लॉट नहीं बनाएगा, क्योंकि उसमें कोगुलेशन फैक्टर्स नहीं है। ठीक है, चलो। तो पहला स्टेप हुआ सेलुलर इवेंट्स का मार्जिनेशन। मार्जिनेशन यानी सेल्स का किनारे की तरफ चला जाना। नेक्स्ट स्टेप आता है, सेकेंड हुआ रोलिंग। सेकेंड स्टेप है रोलिंग। ठीक, रोलिंग मतलब नाम से ही इंग्लिश का वर्ड है, कोई ज़्यादा मुश्किल मेडिकल टर्म नहीं है। रोलिंग मतलब होता है रोल होना, रोल यानी इसको बोलते हैं रोल होना, मतलब कोई चीज़ ऐसे रोल घूम रही है, तो रोलिंग हो रही है सेल्स में, सेलुलर इवेंट में। सेकेंड स्टेप है रोलिंग। रोलिंग का मतलब ब्लड वेसल्स में सेल जो थी, WBC, मेन WBC की बात कर रहे हैं, ये WBC पहले तो किनारे आ गई, बीच में थी, किनारे आ गई, तो ये हुआ मार्जिनेशन। अब ये मार्जिनेशन के बाद जब किनारे आ गई तो इस पर ये रोल होती है, ऐसे लुढ़कती चली जाती है, ऐसे ऐसे ब्लड वेसल की दीवार पर सेल्स WBCs रोल होती हैं, इनको बोलते हैं रोलिंग। यानी चिपकना चाह रही है, साइड में आ रही है, यहाँ पर चिपकी लेकिन फिर छूटी, फिर ये दूसरा पैर चिपकाया फिर छूटा, फिर चिपकाया फिर छूटा, तो इसको बोलते हैं रोलिंग। ये रोल हो रही है, थोड़ी दूर तक ये लुढ़कती जाती है दीवार पे। क्यों हो रही? क्योंकि ये कुछ चीज़ों से चिपक रही है, तो इसको बोलते हैं रोलिंग। तो रोलिंग के लिए कुछ मीडिएटर्स होते हैं, मीडिएटर्स कह लो या एडहेजन मॉलिक्यूल मतलब होता है, एडहेजन यानी होता है चिपकाना, चिपकना, ग्लू जैसा मटेरियल। तो एडहेजन मॉलिक्यूल्स यानी कुछ केमिकल्स हैं जो एडहेजन का काम करते हैं, यानी चिपकाने का काम कर रहे हैं। ये WBCs को एंडोथीलियम पे चिपकाने वाले कुछ केमिकल्स होते हैं जिनको बोलते हैं एडहेजन मॉलिक्यूल्स। इनका पूरा नाम है सेल एडहेजन मॉलिक्यूल, तो शॉर्ट में बोलते हैं CAM, सेल एडहेजन मॉलिक्यूल। क्लियर? तो ये एडहेजन मॉलिक्यूल WBCs को एंडोथीलियम से चिपकाएंगे, WBC को एंडोथीलियम, एंडोथीलियम यानी ये दीवार, वेसल की दीवार, और एंडोथीलियम से चिपक रही हैं WBCs, चिपकती फिर छूटती हैं। तो रोलिंग कराने वाले एडहेजन मॉलिक्यूल्स को नाम दिया गया है सेलेक्टिंस, सेलेक्ट करने वाले सेलेक्टिंस। तो सेलेक्टिन क्या है? ये एक सेल एडहेजन मॉलिक्यूल्स हैं। सेलेक्टिंस आर सेल एडहेजन मॉलिक्यूल, यानी ये सेल्स को चिपकाएंगे, मॉलिक्यूल हैं जो सेल्स को चिपकाएंगे। और ये कहाँ पर होते हैं? ये एंडोथीलियम सेल्स पे मेनली पाए जाते हैं, एंडोथीलियम सेल्स। ठीक है, सेलेक्टिंस, सेलेक्टिंस का अगर एक्स्ट्रा और नाम याद रखना चाहो तो इसको CD62 कहते हैं। CD62, CD ये सेल्स के मार्कर्स होते हैं जिनको अलग अलग नंबर दिया गया है। तो पैथोलॉजी में बहुत CD मार्कर्स पढ़ोगे, तो अभी यहाँ पर अगर सेलेक्टिंस नाम याद है तो उतना चल जाएगा, लेकिन अगर और एक्स्ट्रा याद करना चाहो तो उसको बोलते हैं CD62। ठीक है, तो ये क्या है? ये कुछ केमिकल्स हैं जो एंडोथीलियम सेल्स पर हैं, और इनके चिपकाने वाले लाइगेंड्स, लाइगेंड मतलब इनसे चिपकने वाले दूसरा काउंटर पार्ट, वो मौजूद है WBCs पे। तो ये कराता है एडहेजन। तो एडहेजन वाले मॉलिक्यूल का नाम है सेलेक्टिंस, और ये सेलेक्टिंस भी कई टाइप के होते हैं। अगर इनके टाइप बस नाम याद कर लो, एक होता है पी सेलेक्टिन, पी मतलब होता है प्लेटलेट्स, ये होता है प्लेटलेट्स पे, इसको बोलते हैं पी सेलेक्टिन, या दूसरा इसको बोल सकते हैं CD62P, पी लगा दिया, पी मतलब ये प्लेटलेट्स पे होता है। दूसरा नाम है ई सेलेक्टिन, ई यानी एंडोथीलियम, ये होता है एंडोथीलियम पे, इसको बोलेंगे CD62E। लास्ट है लिम्फोसाइट। ठीक, लिम्फोसाइट्स,
एल सेलेक्टिन, इसको बोलेंगे CC2L। तो सेलेक्टिन मॉलिक्यूल, सेलेक्टिन के बारे में अगर पूछा जाए शॉर्ट में क्या है, तो ये कुछ केमिकल हैं जो सेल्स को चिपकाने का काम करते हैं, इसलिए इनको बोलते हैं सेल एडहेजन मॉलिक्यूल्स। ये कहाँ पर होते हैं? ये एंडोथीलियम पे होते हैं, सेल की वेसल्स की दीवार पे होते हैं, और ये WBC इसको चिपकाने का काम करते हैं। इस पर WBC चिपकती तो है लेकिन ज़्यादा मजबूती से नहीं चिपकती है, चिपकी फिर छूट गई, फिर थोड़ी दूर गई फिर चिपकी फिर छूट गई, क्योंकि ब्लड फ्लो हो रहा है, ब्लड तो धीरे धीरे फ्लो हो ही रहा है, तो कोई ऐसा ग्लू चाहिए, ऐसा एडहेजन मॉलिक्यूल चाहिए जिसको सख्ती से चिपका ले ताकि ये छूटने ना पाए। लेकिन सेलेक्टिव जो होते हैं वो लूज़ कनेक्शन होते हैं, बहुत हल्के से चिपकती है सेल और फिर वो लुढ़क के आगे जाती है, फिर चिपकती फिर लुढ़क के आगे जाती है, ठीक है। इसको बोलते हैं रोलिंग, तो सेकेंड स्टेप हुआ रोलिंग। लेकिन कब तक लुढ़केगी? एक टाइम तो ऐसा आएगा जब ये चिपक जाएगी, धीमे होते होते चिपक जाती है। तो थर्ड स्टेप आता है, थर्ड पॉइंट है एडहेजन, एडहेजन, एडहेजन यानी चिपकना। तो रोलिंग के बाद आया एडहेजन, वही स्टेप पहले बीच में थी, किनारे आई थोड़ी दूर लुढ़की और फिर चिपक गई, एंडोथीलियम ने उसको सख्ती से पकड़ लिया। तो यहाँ पर भी सेल एडहेजन मॉलिक्यूल्स काम करते हैं, यहाँ पर जो सेल एडहेजन मॉलिक्यूल काम करते हैं उनको बोलते हैं इंटीग्रिंस, इंटीग्रिंस। यहाँ पर थे सेलेक्टिंस, यहाँ है इंटीग्रिंस। इंटीग्रिंस का भी काम है सेल्स को चिपकाना, लेकिन ये फर्म एडहेजन कराते हैं, फर्म यानी मजबूत, ये लूज कनेक्शन होते हैं, सेलेक्टिन जो होते हैं ये लूजली कनेक्ट करते हैं, तभी सेल छूट जाती है और रोल करती चली जाती है। लेकिन यहाँ पर इंटीग्रिंस जो होते हैं वो उसको मजबूती से पकड़ लेते हैं, तो रोल होते होते एक जगह जाकर वो रुक जाती है, इसलिए थर्ड स्टेप आ गया एडहेजन। किनारे आई, रोल करी और फिर रुक गई, तो मार्जिनेशन, रोलिंग एंड एडहेजन, ठीक। तो केमिकल्स का नाम है इंटीग्रिंस, और ये किस पर होते हैं? ऑन WBCs, ये WBCs पे होते हैं। इंटीग्रिंस WBC पर है और उसके लाइगेंड्स, लाइगेंड यानी उनसे चिपकने वाले केमिकल ऑन एंडोथीलियम, इन्हीं दोनों को तो चिपकाना है। प्लग और सॉकेट जैसा समझा करो, सॉकेट और प्लग, तो एक केमिकल रिसेप्टर होते हैं और एक लाइगेंड होता है, दोनों आपस में चिपकेंगे, तो लाइगेंड मतलब होता है उससे चिपकने वाला, तो इंटीग्रिंस मॉलिक्यूल हैं जो चिपकाने का काम करते हैं, और उनसे चिपकने वाले जो लाइगेंड्स हैं वो एंडोथीलियम पे होते हैं, ये WBCs पे हैं और ये एंडोथीलियम पे हैं। इंटीग्रिंस का काम है इसको मजबूती से पकड़ना, और ये दो टाइप के लाइगेंड्स होते हैं, अगर इनको समझना चाहो तो इतना काफ़ी है, अगर एक्स्ट्रा समझना चाहो तो इनको बोलते हैं वैस्कुलर सेल एडहेजन मॉलिक्यूल VCAM1, और दूसरा नाम है इंटरसेलुलर ICAM1। इंटरसेलुलर सेल एडहेजन मॉलिक्यूल और वैस्कुलर सेल एडहेजन मॉलिक्यूल, ये लाइगेंड्स के नाम हैं, दो टाइप के हैं VCAM और ICAM। VCAM होते हैं एंडोथीलियल्स पे, दोनों ही एंडोथीलियम पे क्योंकि लाइगेंड्स हैं, इसलिए इनको बोला लाइगेंड्स क्योंकि ये एंडोथीलियम पे मौजूद हैं। तो दो टाइप के हैं VCAM और ICAM, ठीक। तो एडहेजन हो गया थर्ड स्टेप, इसका कराने वाला सेल रिसेप्टर का नाम, सॉरी एडहेजन मॉलिक्यूल का नाम है इसके बाद फोर्थ स्टेप पे आते हैं। एडहेजन के बाद फोर्थ होता है, छोटा स्टेप है, इसको चाहो तो स्किप भी कर सकते हो, ऐसे बोलते हैं इसको पेवमेंटिंग, पेवमेंटिंग PAVE, पेवमेंटिंग। पेवमेंटिंग मतलब होता है ढेर लगता चला जा रहा है सेल्स का, सेल के ऊपर सेल चिपकती चली जा रही है। तो जैसे यहाँ पर WBCs चिपकती हैं, इनके ऊपर और आ रही होती है, वो फिर और चिपकती हैं, फिर और चिपकती हैं, तो उसके ऊपर एक लेयर बनने लगती है, उसको बोलते हैं पेवमेंटिंग। पेवमेंटिंग यानी एक एक के ऊपर एक सटा के रखना, तो उसको बोलते हैं पेवमेंटिंग। तो छोटा स्टेप है, इसको स्किप कर सकते हैं। तो पहला हो गया मार्जिनेशन, सेल्स का किनारे आना। सेकेंड हो गया रोलिंग, किनारे आके वो रोल करती हैं। और थर्ड हो गया एडहेजन, वो फिर चिपक भी जाती हैं। और पेवमेंटिंग यानी एक ऊपर एक ढेर लगता चला जाता है। अब ये ढेर लगने के बाद इसका होगा क्या? तो फिफ्थ आ जाते हैं, फिफ्थ होगा, फिफ्थ होता है ट्रांसमाइग्रेशन, ट्रांसमाइग्रेशन इसका दूसरा नाम है डायापिडेसिस, ट्रांसमाइग्रेशन या डायापिडेसिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। अभी तक हमारी सेल्स जो भी चेंजेस दिखा रही थी वो वेसल्स के अंदर था,
अब ट्रांस माइग्रेशन, माइग्रेशन यानी होता है शिफ्ट कर देना, किसी चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह भेजना, उसको बोलते हैं माइग्रेशन। और उसको अगर सेल्स शो करते हैं WBC तो उसको बोलते हैं डायपिडेसिस। तो डायपिडेसिस क्या है, वेसल्स की अंदर क्या क्या हो रहा है, अभी WBC जो बीच में थी वो किनारे आ गई, फिर थोड़ी दूर तक वो रोल होती चली गई और फिर एक जगह आकर चिपक गई और एक के ऊपर एक कई सारा ढेर लग गया। अब इनका ढेर का होना क्या है, डैमेज तो यहाँ पे चल रहा है, ये टिश्यू था जिस पर इन्फेक्शन हुआ था, यहाँ पर बैक्टीरिया डैमेज कर रहा था किसी ऑर्गन को, उसमें ब्लड जो जा रहा था वहाँ पर पहले वेसल्स में चेंजेस हुए, फिर वहाँ पर WBC जमा होने लगी। WBC जमा होने के बाद जो फिफ्थ स्टेप है वो है ट्रांसमाइग्रेशन यानी डायपिडेसिस। अब इनसे सेल्स बाहर आ जाएंगी यानी एंडोथीलियम के गैप से WBCs बाहर आ जाएंगी। गैप बहुत छोटे होते हैं, सेल बाहर छन के नहीं आती है, ये एक एक्टिव प्रोसेस है। सेल्स अपने आप को अमीबा की तरह मूव करके सीटोपोडिया बना के पतली होकर बाहर निकलती है, ये एक एक्टिव प्रोसेस है, यानी सेल्स सिकुड़ के बाहर आ जाती है। अगर हम देखें एंडोथीलियम का एक डायग्राम बनाए जूम करके, तो ये एक सेल थी, मान लो न्यूट्रोफिल है और ये एंडोथीलियम सेल्स हैं। गैप इतना नहीं कि सेल अपने आप छन के बाहर आ जाए, पर अंदर से प्रेशर पड़ा बाहर आ गई, इसको एक्टिवली अपने आप को मूव कराना पड़ेगा, ये अमीबा की तरह सीडोपोडिया बना के मूव करके बाहर आती है, ठीक। इसको बोलते हैं डायपिडेसिस, यानी सेल ने अपना स्ट्रक्चर चेंज किया, पतली हुई और इस पतले से छेद से बाहर आ गई, इसको बोला ट्रांस माइग्रेशन या डायपिडेसिस। ये क्या प्रोसेस है, ये सेल्स का मूवमेंट मूवमेंट है, सेल्स मूवमेंट कहाँ से, फ्रॉम ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल से कहाँ आती है, टू टू इंटरस्टिशियम, मतलब सेल्स के बीच में यानी टिश्यू में आ गई, टू टिश्यू भी कर सकते हो, यानी ब्लड वेसल से सेल्स बाहर आ गई, ब्लड वेसल यानी जिसमें ब्लड बह रहा था उसमें से WBCs बाहर आ गई हैं, उसको बोलते हैं डायपिडेसिस, क्लियर। तो पहले हुआ WBCs को रोका गया, उनको किनारे बुलाया गया, थोड़ी दूर तक वो उनकी स्पीड ज़्यादा थी इसलिए लुढ़कती चली गई, फिर एक जगह आके रोक लिया, उसके बाद उनको टिश्यू में बाहर निकाल लिया गया कि वहाँ पर आओ, इन्फेक्शन हुआ है उनसे लड़ो, वहाँ पर इम्यूनिटी दो, क्योंकि डैमेज चल रहा है, इसी के बदले तो ये बॉडी रिस्पॉन्स दे रही है ताकि इन्फ्लेमेशन हो और इन्फेक्शन को हटाया जा सके या जो डैमेज हुआ है उसको रिपेयर किया जा सके, इसके लिए चाहिए हमें WBC और वो रहती है हमेशा ब्लड में, तो ब्लड ब्लड में रहेंगी तो बाहर डैमेज हुआ है वहाँ कैसे आएंगी, इसलिए ब्लड से डायपिडेसिस द्वारा बाहर आने लगती हैं, क्लियर। तो अभी तक कई सारे स्टेप हुए हैं जिसमें ट्रांसमाइग्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, इसको बोलते हैं डायपिडेसिस, सेल्स बाहर आ जाती हैं। तो अब ये सेल्स बाहर आ गई, मेनली कौन सी सेल बाहर आती है ये भी समझ लो, कौन सी बताई थी, न्यूट्रोफिल बाहर आती है, न्यूट्रोफिल्स, और सेकंड है मोनोसाइट्स। अगर एक्यूट इन्फ्लेमेशन है तो 24 आवर में, 24 घंटे के अंदर मेनली न्यूट्रोफिल्स आती हैं, ये मेजर सेल्स होती हैं, और उसके बाद 24 घंटे के बाद मोनोसाइट ज़्यादा दिखती हैं। तो 24 घंटे के अंदर अंदर अगर हम इन्फ्लेमेशन साइट को एग्जामिन करें तो वहाँ पर न्यूट्रोफिल्स बहुत मिलेंगी, न्यूट्रोफिल का दूसरा नाम PMN भी होता है, PMN, बुक में कहीं पर PMN लिखा देखना तो मतलब होता है उसका न्यूट्रोफिल, पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर सेल्स, पॉलीमॉर्फ न्यूक्लियर सेल्स यानी उनके न्यूक्लियस का कई तरह का शेप होता है, इसलिए इसको बोलते हैं पॉलीमॉर्फ, पॉली मतलब बहुत सारा, मॉर्फ मतलब चेहरा, और न्यूक्लियर यानी उसके न्यूक्लियस का कई चेहरा होता है, उसमें बाईलोब, ट्राईलोब, सिंगल लोब, 5 लोब्ड, कई लोब का न्यूक्लियस मिलता है, इसलिए इसको कहते हैं पॉलीमॉर्फ न्यूक्लियर सेल्स, न्यूट्रोफिल का दूसरा नाम है PMN। मोनोसाइट्स, मोनोसाइट और मैक्रोफेज में क्या फ़र्क है, कॉन्सेप्ट की बात है कि मोनोसाइट और मैक्रोफेज सेम चीज़ है, अगर ब्लड ब्लड वेसल्स के अंदर हैं तो उसको मोनोसाइट कहते हैं, अगर वो छन के बाहर आ गई या बॉडी के टिश्यू में है वही सेल तो उसको मैक्रोफेज कहते हैं। जब भी कभी DLC की रिपोर्ट देखते हो, DLC यानी डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट, तो उसमें 5 सेल का परसेंटेज आता है, न्यूट्रोफिल, ईओसिनोफिल, बेसोफिल, लिम्फोसाइट, और पांचवी होती है मोनोसाइट। मैक्रोफेज नहीं होती है, कहीं भी मैक्रोफेज नहीं होता है DLC में, क्योंकि ब्लड वेसल्स का टेस्ट है उसमें मोनोसाइट होती है। जब ये मोनोसाइट ऐसे डायपिडेसिस द्वारा टिश्यू में आ जाती है तो उसी मोनोसाइट को मैक्रोफेज कहने लगते हैं, क्लियर। तो ब्लड वेसल के अंदर है तो मोनोसाइट, टिश्यू में आ गई है तो मैक्रोफेज। लास्ट स्टेप है इसका,
सिक्स्थ है कीमोटैक्सिस, कीमोटैक्सिस ये तुम लोगों ने पीएमटी टाइम या इंटर में बहुत पढ़ा होगा। कीमोटैक्सिस मतलब होता है मूवमेंट टूवर्ड्स द केमिकल, केमिकल की वजह से किसी चीज़ का मूव होना, उसको बोलते हैं कीमोटैक्सिस। कीमोटैक्सिस मतलब जब यहाँ से सेल बाहर आ गई थी, तो बाहर आने के बाद उसको रास्ता कौन बताएगा, उसको कैसे पता चलेगा कि हमें कहाँ जाना है। यहाँ पे डैमेज हो रही थी सेल, तो अब ये धीरे धीरे अमीबा की तरह मूव करती हुई यहाँ पर आएगी ताकि बैक्टीरिया से लड़ सके, इसको बोलते हैं कीमोटैक्सिस। कीमोटैक्सिस, टैक्सिस मतलब मूवमेंट, कीमो मतलब केमिकल की वजह से, टैक्सी होता है टैक्सी में बैठ के चलते हैं, मूव करती है, तो टैक्सिस मतलब मूवमेंट और कीमो यानी केमिकल्स, केमिकल की वजह से मूवमेंट कहलाता है कीमोटैक्सिस। तो कीमोटैक्सिस मूवमेंट ऑफ WBCs टूवर्ड्स, मूवमेंट ऑफ WBC टूवर्ड्स टूवर्ड्स डैमेज्ड सेल्स विद द हेल्प ऑफ कीमो अट्रैक्टेंट्स, जो केमिकल्स इनको बुलाते हैं उनको बोलते हैं कीमो अट्रैक्टेंट्स, केमिकल अट्रैक्ट करने वाले। मूवमेंट ऑफ WBCs टूवर्ड्स द डैमेज सेल, जहाँ पर डैमेज हो रहा था उसकी तरफ जाएगी, क्यों, क्योंकि ये कुछ केमिकल रिलीज कर रहा होगा, तो ये केमिकल सूंघते सूंघते पता करते करते उसकी तरफ चली जाती है। जैसे चींटियाँ होती हैं वो देख के नहीं जाती हैं शुगर की तरफ, वो सूंघ के पहुँचती, केमिकल्स उनको पता चलते कि यहाँ पर खाने की चीज़ है, वो धीरे धीरे मूव होते होते उसी दिशा में जाकर खाने तक पहुँच जाती चींटियाँ। ऐसे ही बता रहे हैं मैक्रोफेज या न्यूट्रोफिल कैसे मूव करेंगी, केमिकल्स के डायरेक्शन में जाएंगी, तो ये कहलाते हैं केमिकल्स कीमो अट्रैक्टेंट्स। ये केमिकल्स दो टाइप के हो सकते हैं, एक हो सकता है एक्सोजीनस, एक्सोजीनस यानी बाहर से पैदा होने वाला, और एक हो सकता है एंडोजीनस, जो हमारी बॉडी खुद बना रही है। तो एक्सोजीनस हो सकता है बैक्टीरिया के खुद ही कुछ प्रोडक्ट हों, बैक्टीरिया के डिग्रेडेड प्रोडक्ट, बैक्टीरिया की दीवार टूट रही, वॉल सेल वॉल टूट रही है, उसका न्यूक्लियस का डैमेज हो रहा है, टिश्यू सॉरी न्यूक्लियस नहीं क्रोमेटिन मटेरियल डैमेज हो रहा है, तो उन सब केमिकल्स की तरफ सेल्स अपने आप खींची चली जाएंगी कि हाँ वहाँ पर बैक्टीरिया है या वहाँ पर वायरस है। ठीक है, तो या तो बैक्टीरिया के डिग्रेडेड प्रोडक्ट्स हो सकते हैं जिनको बोलेंगे एक्सोजीनस, या हमारी बॉडी खुद कुछ केमिकल्स बनाएगी एंडोजीनस, एंडोजीनस यानी बॉडी में खुद के बने हुए केमिकल, वो हो सकते हैं जैसे ल्यूकोट्राइन्स हो सकते हैं, ल्यूकोट्राइन्स बाद में बताएंगे, ल्यूकोट्राइन्स मेनली होता है B4, ल्यूकोट्राइन्स B4, और हो सकते हैं इंटरल्यूकिन, हो सकते हैं इंटरल्यूकिन 8, इसके अलावा कुछ कॉम्प्लीमेंट सिस्टम्स के कॉम्पोनेंट हो सकते हैं कॉम्प्लीमेंट C5A। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम इम्यूनिटी में पढ़ाएंगे, कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन होती हैं प्लाज्मा में, वो भी कुछ यही काम करती हैं जो इम्यूनिटी में हेल्प करती हैं। तो ये सारे केमिकल्स हैं जो बॉडी के अंदर खुद ही बन रहे हैं, ल्यूकोट्राइन्स हमारा अपना है, इंटरल्यूकिन अपना है, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम का C5A भी में अपना है, लेकिन बैक्टीरिया के डिग्रेडेड प्रोडक्ट्स ये एक्सोजीनस हैं। ये सारे केमिकल्स कहाँ पर ज़्यादा होंगे, जहाँ पर टिश्यू डैमेज हो रहा है, तो WBC सारी यहाँ की निकली हुई WBC यहाँ से निकली सब तरफ की यहीं पर आने लगेंगी, क्योंकि यहाँ पर कीमो अट्रैक्टेंट्स हैं। क्लियर, तो ये सारे स्टेप हो गए सेलुलर इवेंट्स के। इसके बाद स्टेप शुरू होता है कह सकते हो फेगोसाइटोसिस, यानी इतने स्टेप होने के बाद अब असली इम्यूनिटी स्टार्ट होती है, जिसमें क्या क्या हो सकता है, फेगोसाइटोसिस होगी, WBCI तो कुछ करेगी ना, फेगोसाइटोसिस यानी सेल्स को खाना, तो ये जहाँ पर बैक्टीरिया होगा, वायरस इन्फेक्टेड सेल्स होंगी या टूटी हुई सेल्स होंगी, उन सबको खाएगी, फेगोसाइटोसिस कर सकती है। किलिंग ऑफ बैक्टीरिया, कुछ केमिकल्स रिलीज करेगी जिससे बैक्टीरिया मारे जाएँ, किलिंग ऑफ बैक्टीरिया, ये सारी चीज़ें इम्यूनिटी में आती हैं, इसको भी पढ़ाएंगे नेक्स्ट क्लास में, अभी फिलहाल इतना ही कि क्या क्या चेंजेस हुए इन्फ्लेमेशन में, सेलुलर इवेंट्स में मार्जिनेशन यानी सेल्स किनारे आ गई, सेकेंड हुआ रोलिंग सेल्स लुढ़कने लगी, थर्ड हुआ एडहेजन लुढ़कते लुढ़कते चिपक गई एक जगह पर, उसके बाद पेवमेंटिंग, पेवमेंटिंग यानी ढेर लगने लगा सेल्स का, फिफ्थ आ गए ट्रांसमाइग्रेशन या डायपिडेसिस, यानी सेल्स ब्लड वेसल से छन के बाहर आ गई, मूवमेंट होके बाहर आ गया इनका, और फिर बाहर आने के बाद जहाँ पर डैमेज हो रहा था वहाँ पर वो मूव करके चली गई, उसको बोला कीमोटैक्सिस। तो इसको अगर एक डायग्राम में हम लोग समझना चाहें क्या हो रहा है, समझना ये ब्लड वेसल है, ये डायलेट कर गई,
ब्लड वेसल पहले पतली थी, यहाँ पे डायलेट हो गई क्योंकि यहाँ पर इन्फ्लेमेशन चल रहा है। क्या हो रहा है, क्यों, किस वजह से हो रहा है? यहाँ पर एक टिश्यू है, यहाँ पर बैक्टीरिया से ने इन्फेक्शन कर दिया है। ठीक है, कोई टिश्यू था किसी भी ऑर्गन पे, कई कुछ इन्फेक्शन हुआ, बैक्टीरिया आ गए तो यहाँ पर इन्फ्लेमेशन हुआ जिससे सॉरी इन्फेक्शन हुआ जिससे सेल्स डैमेज होने लगी। अब बॉडी को इसको ठीक करना है तो उसने इन्फ्लेमेशन स्टार्ट किया। तो इन्फ्लेमेशन के वैस्कुलर इवेंट क्या क्या है पहले समझो। ये नॉर्मल था, नॉर्मल सेल, नॉर्मल ब्लड वेसल आ रही थी, ये चौड़ी हो गई यानी ब्लड वेसल डायलेट हो गई। तो पहला पॉइंट हुआ वैसो डायलेशन, कॉन्स्ट्रिक्शन नहीं बना रहे क्योंकि वो फ़ौरन ख़त्म हो जाता है, वैसो डायलेशन, वेसल्स डायलेट हो गई। सेकेंड क्या स्टेप हुआ वैसो डायलेशन के बाद, इंक्रीज्ड वैस्कुलर परमीएबिलिटी, किस वजह से हुआ, इस पर ये थी एंडोथीलियम सेल्स, एंडोथीलियम सेल्स थी इस पे। अब क्या हुआ, इनके बीच गैप बनने लगे, ये गैप बनने से इनके बीच में जगह बन गई, कॉन्ट्रैक्शन हुआ और इनके बीच गैप बन गए, तो हुआ इंक्रीज्ड वैस्कुलर परमीबिलिटी, ब्लड ऐसे बह रहा था। ठीक है, ये टिश्यू में डैमेज था, इसको बचाने के लिए पहले ब्लड सेल, ब्लड वेसल्स चौड़ी हो गई यानी डायलेट हो गई और फिर उनके बीच में गैप बना जिससे परमीबिलिटी भी बढ़ गई, तो उससे प्लाज्मा छन के बाहर आने लगा, इंक्रीज्ड वैस्कुलर परमीबिलिटी। थर्ड क्या हुआ, स्टेसिस होने लगी, स्टेसिस यानी ब्लड धीमा बहने लगा, ये पतला था तेज़ी से आ रहा था, जैसे चढ़ा हुआ ब्लड फ्लो धीमा हो गया। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ, फोर्थ मार्जिनेशन, सब एक साथ पढ़ रहे हैं सेलुलर वैस्कुलर मिला के। मार्जिनेशन यानी जो WBC हमारी बीच में बह रही थी वो अब किनारे चली गई। ठीक, इसको बोला मार्जिनेशन, बीच में बहने वाली सेल्स किनारे की तरफ मूव हो गई जिसको कहा मार्जिनेशन। मार्जिनेशन के बाद नेक्स्ट स्टेप आता है रोलिंग, रोलिंग, रोलिंग मतलब अब ये इस एंडोथीलियम सेल से चिपकेगी और रोल होगी, रोल मतलब चिपकी और फिर ऐसे घूमी, फिर थोड़ी देर चिपकी फिर घूमी, ये इसलिए आगे बढ़ रही क्योंकि ब्लड का फ्लो इधर है तो सेल को थोड़ा बहुत तो इधर खींचेगा, धीरे धीरे ये सेलेक्टिन्स की मदद से चिपकेंगी लेकिन छूट जाएंगी, फिर चिपकेंगी फिर छूट जाएंगी, ऐसा काफ़ी दूर तक ही होगा और फिर उसके बाद फर्मली यानी मजबूती से चिपक जाएंगी, उसको बोलेंगे एडहेजन। तो रोलिंग होने के बाद थोड़ी दूर के बाद ये मजबूती से चिपक गई, यहाँ पर चिपक गई, रोल हुई, रोलिंग के बाद ये एडेजन हो गया, चिपक गई। अब इस एडेजन के बाद इसके ऊपर कई सारी सेल्स आने लगती हैं और चिपकेंगी, ढेर लग गया, इसको बोला पेवमेंटिंग, पेवमेंटिंग। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप हुआ कि WBC अंदर से बाहर आने लगेंगी, ये डायपिडेसिस करके सेल के बीच में से WBCs बाहर आ गई, इसको बोला डायपिडेसिस, डायपिडेसिस, डायपिडेसिस। ठीक, दूसरा नाम इसका ट्रांसमाइग्रेशन। तो डायपिडेसिस करके WBC बाहर आ गई। ठीक, अब इस बाहर आने के बाद WBC को इस पॉइंट तक पहुंचना है, इसके लिए यहां पर से कुछ केमिकल निकल रहे होंगे जो चारों तरफ से सेल्स को अपने पास बुला रहे होंगे, इसको कहते हैं कीमोटैक्सिस। अभी WBC धीरे धीरे उस जगह पर आ गए जहाँ पे इन्फेक्शन चल रहा था, इन्फ्लेमेशन को प्रोड्यूस करना था, जहाँ पर डैमेज था, तो इसको बोला कीमोटैक्सिस। ठीक, अब इसके बाद का काम डिपेंड करता है किस चीज़ का डैमेज था, अगर बैक्टीरिया है तो उसमें फेगोसाइटोसिस होनी है, किलिंग होनी है, इनगल्फमेंट होना है, डैमेज हो रहा है तो उसका रिपेयर होना है, ये सारे काम फिर बाद में स्टार्ट होंगे। तो मेन जो इन्फ्लेमेशन के प्रोसेस हैं वो इतने ही हैं, वैसो डायलेशन, इंक्रीज वैस्कुलर परमीबिलिटी, स्टेसिस, फिर मार्जिनेशन, रोलिंग, एडहेजन,
पेवमेंटिंग, डायबिटेसिस और कीमोटैक्सिस। इसको लाइन से रटने की कोशिश ना करना, वैस्कुलर वाले तो ईजी थे, चलो चार पॉइंट थे याद हो गए, ये कैसे याद होंगे। तो कॉमन सेंस है कि स्टोरी की तरह याद रखना कि ब्लड बह रहा था किनारे, उसको बाहर बुलाना था, इन सेल को बाहर बुलाना है, तो पहले क्या किया, उनको किनारे बुलाया, तो उसको बोला मार्जिनेशन। फिर किनारे आया तो तेज़ी से बह रहे थे तो धीरे धीरे रुके, उसको बोला रोलिंग। दूर तक ही वो रोल होते गए तब रुके, उसको बोला रोलिंग। फिर उसके बाद वो एक जगह रुक गए, गाड़ी उनकी रुक गई, उसको बोला एडहेजन, चिपक गए, एडहेयर हो गए। उसके बाद वो बाहर आ गए, यहाँ से निकल के बाहर आ गए, इसको बोला डायपिडेसिस। फिर उधर गए जहाँ पर इसकी ज़रूरत थी, यानी केमिकल्स की दिशा में चले गए, यहाँ से भी निकले, यहाँ से भी निकले, इधर काफ़ी दूर से निकले, लेकिन उनको जाना अल्टीमेटली वहीं पर था जहाँ पर से इन्फ्लेमेशन के लिए सेल्स को बुलाया जा रहा था। इसको एक कहानी की तरह ऐसे याद कर लो कि तुम रोड पे जा रहे हो, तुमको अचानक से कोई रेस्टोरेंट से स्मेल आई अच्छी खाने की, कोई भी खुशबू तुम्हें अट्रैक्ट करी, तो क्या करोगे, पहले तुम रोड पे स्पीड पे जा रहे थे, तो बीच में जा रहे थे, अचानक से तुमको कोई स्मेल आई कि अच्छा भैया बढ़िया रेस्टोरेंट है, जाके वहाँ खाना खाना चाहिए, मज़ा आ रहा है, तो क्या करोगे, पहले साइड में आओगे ना रोड से, ट्रैफिक में बीच में चल रहे हो, किनारे लगाओगे गाड़ी को। फिर किनारे आने के बाद एकदम से तो रुक नहीं जाएगी गाड़ी, कुछ एक आध कदम दूर तक गाड़ी धीमे होते होते रुकेगी, पहिया रोल हो रहा है तुम्हारे, गाड़ी धीरे धीरे रोल होगी, फिर एक जगह पे जाके ब्रेक लगा के गाड़ी पार्क कर दोगे, यानी एडहेयर हो गई, एडहेजन हो गया, गाड़ी रुक गई। अब रोड पर खड़े खड़े तो खा नहीं लोगे, फिर तुम रोड से बाहर फुटपाथ पे आओगे, साइड में आओगे कि देखे कौन सी शॉप से आ रही है, तो कहाँ जाओगे शॉप पे, स्मेल सूंघते सूंघते कहाँ से आ रही थी स्मेल, देखें भाई कहाँ बन रहा है इतना बढ़िया खाना, जाके खाना चाहिए। तो क्या होगा, केमिकल की डायरेक्शन में तुम जाओगे और वहाँ पर खाओगे, WBC भी खाने जा रही हैं, कैसे खाएंगी, फैगोसाइटोसिस, बैक्टीरिया को या जिसके अंदर सेल के अंदर वायरस बैठा हुआ है उस सेल को खा जाएंगी या बैक्टीरिया को खा जाएंगी, वो खाने ही खाने जा रही थी। तो सारी प्रोसेस को एक कहानी की तरह याद रखना, बीच में जा रहे थे, साइड में आए, मार्जिनेशन, थोड़ी दूर तक रोल हुए, रोलिंग, चिपक गए, एडहेजन, बाहर उसके ऊपर कई लेयर लग गई, उसको स्किप भी कर सकते हो ना याद रहे, पेवमेंटिंग, फिर डायपिडेसिस यानी बाहर निकल आए रोड से, फिर केमिकल की डायरेक्शन में गए जिसको बोला कीमोटैक्सिस। क्लियर, ये सारे स्टेप हैं इन्फ्लेमेशन के। इन सब के साथ साथ प्लाज्मा भी बाहर आ रहा था, यानी पानी बाहर आ रहा था, ब्लड रुक रहा था, तो क्या क्या चेंजेस होंगे, एडिमा आ जाएगा, सूजन आ जाएगी, ब्लड रुक रहा था इसलिए वो गर्म हो जाएगा और लाल दिखेगा, तो वार्मनेस, रेडनेस, एडिमा और पेन, जो ये केमिकल निकलते हैं जो इन सेल्स को मूव करा रहे हैं, ब्लड वेसल को डायलेट करा रहे हैं, कीमोटैक्सिस करा रहे हैं, इन सब केमिकल्स की वजह से पेन भी फील होता है, इसलिए जहाँ पर इन्फ्लेमेशन होगा वहाँ पर दर्द भी होता है, और लास्ट में आता है लॉस ऑफ फंक्शन। ठीक, स्टोरी की तरह याद करोगे तो अच्छे से ईजिली याद होगा, रटोगे एक एक स्टेप तो ज़रूर भूल जाओगे और उनका डायरेक्शन यानी तुम सीरियल भी गड़बड़ कर सकते हो, कि पहले तुमने सोच रहे हो रोलिंग आएगा या एडहेजन आएगा, पता नहीं क्या आना था, मार्जिनेशन सेकंड पे था, थर्ड पे था, कुछ नहीं, एक कहानी याद रखो, बीच में जा रहे थे, साइड में आए, मार्जिनेशन हुआ, रोल हुए, धीरे धीरे रुकना था तो थोड़ी दूर रोल हुए, फिर एडहेयर हुए, फिर उनके ऊपर कई लेयर लग गई, सबको बाहर आना था, फिर डायबिटिसिस हुई और एंड में कीमोटैक्सिस हुई, और सबसे बाद में बैक्टीरिया तक पहुँच के फैगोसाइटोसिस और किलिंग होगी। क्लियर, ये कंप्लीट होता है एक्यूट इन्फ्लेमेशन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, सिर्फ डायपिडेसिस या कीमोटैक्सिस पूछ सकता है, किलिंग ऑफ बैक्टीरिया में भी आता है, फैगोसाइटोसिस पे भी आता है, लेकिन पूरा स्टेप याद करना ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर, चलो, थैंक यू, बाय बाय।